अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार अभी जो मैं तुम लोगों को दोस्तों मंजर दिखाने वाला हूँ ना, इतना खूबसूरत है और इतना प्यारा है कि आप लोग बोलोगे वाकई में यार बहुत प्यारा लग रहा है। खैर तो ये देखो यार, तो मैंने अभी जो है दाना रखा था वहाँ पे अपनी छत की साइड, तो देखो वहाँ पे कितने सारे चिड़ियाँ उतरी हुई हैं और कबूतर भी उतरा हुआ है। ये देखें सारी चिड़ियाँ और गई कबूतर से डर के, ये वापसी आ जाएंगी। यार मैं कब से इनको देख रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये कबूतर बैठा हुआ है और वहाँ सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। अब ये नीचे वापसी आ जाएंगी इधर इसके पास दाना खाने के लिए। तो यार मैंने दाना रखा था ताकि यार ये खा लेते हैं आराम से यहाँ से। ये देखें यार दोस्तों, फिर से आ गई हैं एक एक करके उतर के। ये देखें फिलहाल कबूतर से इनकी शायद जम नहीं रही है, इसलिए ना थोड़ा दूर दूर से उठा रहे हैं, क्योंकि कबूतर जो है ना वो इनको ना डरा रहा है, तो इस वजह से ना जाए जा रहे हैं। बाकी भाई ये एक कबूतर नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन दो थे, नर और मादा। तो ये काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और खा रहे थे। मैंने बोला यार इनको दिखाऊँ आप लोगों को भी कि कितना प्यारे लग रहे हैं यार। कैसे भाई हमारे सेटअप पर ये जो हैं मेहमान बनकर आते हैं, दाना पानी खा के चले जाते हैं। फिर से अब मैं डेली इधर ही इनको दाना पानी डाल दिया करूँगा यार, क्योंकि इनकी जगह यही बन गई है। और जब हम ये पूरा सेटअप यहाँ से खोल देंगे ना ये जगह, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा यार, खूबसूरत। और जब हम पिजन का सेटअप भी करेंगे तो फिर और भी अच्छा लगेगा यार। तो खैर मैंने आप लोगों से कमेंट में कितना बोला यार बताओ कि क्या मैं पिजन का सेटअप अलग कर दूं या नहीं, या फिर मैं इन्हीं के साथ ऐसे ही रखूं। यार ये मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, साफ बात मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यार। तो मैं तो चाहता हूं मैं पिजन का सेटअप अलग करूं। यार पहले तो हम सबसे ब्राउनी को खोल देते हैं, आ जाओ भाई ब्राउनी। तो यार दोस्तों जब तक ब्राउनी और इसकी माँ खाना खा रही है, मैं तुम लोग को बताता चलूँ कि आज जो है ना एक चीज़ मैंने तुम लोगों से शेयर करनी है, और वो चीज़ जो है हमें खुद भी कल ही पता चली है। तो बहुत एक अजीब सी बात है, वो एक कॉमेडी टाइप की भी है, एक फ़नी जिसको हम बोल रहे हैं यार, एक फ़नी बात भी है वो, और एक सैड भी है मेरे लिए। मतलब सैड वैसे नहीं कि कोई दुख वाली बहुत, बट जो हम चाह रहे थे ना वो नहीं हो सकता। अब वो करने के लिए हमारे को जो करना पड़ेगा वो आप लोगों को देखने के बाद ही उस चीज़ को पता चलेगा कि मैं क्या करना चाह रहा था और क्या नहीं। बट बहुत फनी मोमेंट है यार, वो हंसी आएगी मुझे भी आप लोगों को बताते हुए, और आप लोग खुद भी हंसोगे कि क्या हुआ इनके साथ। तो खैर से फुरकान आ जाए, वो आ रहा रस्ते में कहीं, तो जैसे ही आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे साथ सीन हुआ क्या है। तो ले भाई आ गया फुरकान भी, और फुरकान को भी वो चीज़ नहीं पता भाई। वालेकुम सलाम। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ना यार, वो फुरकान को भी नहीं पता और इसको भी अभी आज ही पता चलेगी वीडियो में, और ये खुद भी दंग रह जाएगा कि ये हुआ क्या है। सन भाई यार एक चीज़ मैंने शेयर करनी थी तुमसे भी और बाकियों से भी, अपनी पब्लिक जितनी भी वीडियोस देखती है। तो खैर से मैं कर देता हूँ, वो लेकर आ रहा हूँ और तुम्हारे को दिखाता हूँ, और उसका सीन क्या हुआ वो भी आप लोगों को बताता हूँ, और इसको भी बताता हूँ। यार पता नहीं क्या सीन है हसन भाई, क्या दिखा रहे हैं हसन भाई। अभी तो वो है ना, मैं तोते हैं क्या हुआ इनमें भाई, काफी टाइम अंडे दे दिए, आप लोगों को देखे होंगे ये बच्चे दिए अंडे बच्चे। अब तुम जो भी क्या मतलब सोचो, क्या कुछ भी समझो, मैं बताता हूँ क्या सीन है क्या हुआ। तो यार सबसे पहले तो दोस्तों देखें, हमारे जो तोते हैं आप लोगों को याद होगा, ये तकरीबन तुम्हें पता मैं कितने टाइम बाद दिखा रहा हूँ, कितने टाइम बाद, 3 महीने। तो यार आप लोगों को बहुत बहुत मादरत चाहता हूँ कि मैंने 3 महीने बाद आप लोगों को दिखाया यार, क्योंकि यार नीचे रहते हैं ना ये, तुम्हें भी पता है यार वहाँ पे ही होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों बार बार हमारा आना जाना रहता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह इनको हम सेटअप पे जब शिफ्ट करते हैं, जब हमारा ख्वाबों का मास्टर केज बनता। तो यार अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ दोस्तों, और तुम्हें भी फुरकान वो झटका दूँ। क्या हुआ? तो तोते को ज़रा गौर से देखो तुम, तोते देख लिया इसको, देखो ये भी तो देख लिया, क्या ये हम दोस्तों जोड़ा लाए थे। हाँ। तुम्हें बताया था ना मैंने, तुमने भी जब देखा था। हाँ, तोता तो, तोती तोता तोती। तो यार तोता तोती नहीं है। क्या मतलब? नहीं समझे? नहीं बस समझ जाओ ये तोता तोती नहीं है। भाई ये देख रहे हो कंटी वाला, ये तो सबको पता होता है आपकी निशानी होती है, वो तोता होता है, तोता है जिसकी कंटी होती है। इसको देखो अब तुम, अबे आ रही है कंटी। तो यार हमारे साथ ये प्रैंक समझो, या मैं क्या बोलूँ, ये फनी मोमेंट हुआ है हमारे साथ यार। हमारे को इनको रखे हुए 2 से 2 साल तो हो गए तकरीबन, 2 से 2.5 साल, और हम समझ रहे हैं कि ये तोती है, और मुझे पता ही नहीं है यार कि ये तोता है। हम इसको तोती समझ रहे थे, ये तो हमें पता था पक्का था कि तोता है, इसकी जल्दी घंटी आ गई थी, पर भाई वो भी तोता निकला है यार। और ये हमें जब पता लगा दोस्तों, जब ये 1 से 2 दिन में अभी बुरी तरीके से रात में भी लड़ रहे थे, दिन में भी लड़ रहे थे, हमने बोला यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और इसके फिर कंटी आना शुरू हो गई यार, इससे मैं परेशान हो गया। इसकी दिखाओ, ये देखें दोस्तों इसकी कंटी वाजे हो रही है, ये देखें नीचे आ रही है ब्लैक कलर की, ये कंटी आना शुरू हो गई इसके यार, और मादी के कंटी
बिल्कुल भी नहीं होती मेरे हिसाब से तो, नहीं होती बिल्कुल भी नहीं होती है, और होती भी होगी तो हल्की फुल्की आ जाए उसका, इतना तो मुझे भी इनके बारे में नहीं पता, पर यार बहुत एक तरीके से फनी मोमेंट था हमारे लिए, एक फनी खबर भी थी, सैड न्यूज इसलिए थी क्योंकि यार बच्चे नहीं आएंगे, अंडे नहीं आएंगे, सैड न्यूज ये थी, और एक जो उछाल देने वाली खबर है, अब हमें इन दोनों के लिए मादियां लानी पड़ेंगी, दोनों के लिए यार, तो ये खबर थी बस दोस्तों, मेरा तो यार दिमाग बहुत हो गया, बाकी देखो ना इसने इसको मार मार के क्या हाल करा, ये देखें यार दोस्तों इसको क्या हाल करा इसको, हम समझ रहे हैं कि इसके पर जड़ है, पर नहीं इसको मारता ही है, क्या हो गया, अरे वो देखो कहाँ चढ़ा हुआ, अरे बिदावनी 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 बहुत तंग करता है यार ब्राउनी हमारा, बहुत तंग करता है। खैर से दोस्तों यही खबर थी भाई, और मेरी तो हंसी बसनी हो रही थी ये सोच सोच के और देख देख के, हमने इनको यार नर मादा समझ के जोड़ा था और ये तो कुछ और ही निकला, तो बस अब यही है कि इनके लिए जल्द से जल्द अब हमारे ऊपर ये भी काम आ गया कि हमें सबके लिए ना वाइफ ही लानी है, हमें ब्लैक अपना जो व्हाइट बेंट है उसके लिए वाइफ लानी है, उसकी मेल फीमेल लानी है, और जो सेपरेट है उसकी फीमेल लानी है, इन बिचारे की फीमेल लानी है जो पिट पिट के थक गए, और इसकी फीमेल लानी है, यार हमें चार चार फीमेल लानी है, सबकी फीमेल लानी है, हमने सबको बेचारों को ऐसे ही रखा हुआ एक सिंगल, और हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी ले आएंगे, अपनी तरफ इशारा कर रहा है फुरकान। तो खैर दोस्तों यही खबर थी यार, तो अब आप लोग बताएं कि हमें क्या करना चाहिए इनके साथ, या हम एक सेल आउट करके फीमेल ले आएँ, या फिर हम दोनों के साथ फीमेल लाएँ, तो ये आप लोग लाजमी कमेंट में बताएं मुझे कि मैं मिट्ठू के साथ क्या करूँ। असल में वैसे मेरे को याद नहीं है, वो काफी पुरानी बात है, तुमने इन दोनों का नाम क्या रखा था? लैला और मजनू है, लैला मजनू, चलो ये हमारा मजनू तो है, बस इसके लिए लैला लानी पड़ेगी, पर ये जो लैला है इसको लल्लू बना देंगे। अबे यार बेचारा इसका पता ही नहीं था यार, सॉरी यार तुम्हारा पता नहीं था यार, अब मेरे को ना पूरा कंफर्म नहीं है ये मेल ही है, लेकिन ये कंफर्म मुझे लग भी रहा है, ये मेल है मुझे भी लग रहा है। तो यार दोस्तों आप लोगों ने देखा ना, लाजमी बताना कमेंट में मेल है ये वाला या नहीं, दिखा दो भाई, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे मैं इनको टंगा कर रहा हूँ, बहुत भारी है यार इनका पिंजरा। तो यार सुल्तान को जो है खोल दिया मैंने, और यार दोस्तों सुल्तान जो है ना वो हम पे हमला कर रहा है यार, बड़े बुरी तरह शिद्दत का, इसको मैं पकड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि कल भी मैंने इसको पकड़ा ना तो इसने मेरे हाथ पे काटा था, तुमने देखा था ये हाथ पे काट रहा है यार, इतना गंदा गंदा काट रहा है दोस्तों कि क्या बताऊँ। कैसे भाई हमने ये वाली मुर्गी इसके साथ लगाई दिया, और उस मुर्गी को भी छोड़ रहे हैं भाई, अब हम हल्के हल्के करके इसके साथ, ताकि सुल्तान दोनों के साथ सेट हो जाए बिल्कुल, और जो है हमारे पास अंडे आए इसका, यार मैंने पूछा था पर मेरे पास कोई ऐसा कमेंट ही नहीं आया, तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि भाई इस मुर्गी को हमने इसके साथ छोड़े सुल्तान के साथ, हाँ या ना, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता दो भाई, क्योंकि पहली वीडियो में तो आप लोगों ने बताया नहीं, तो इसमें बता दो छोड़े या नहीं। तो यार इनके जो दोस्तों कल हमने अंडे देखे थे ना, उनमें हमें 50-50% चांसेस लग रहे हैं, तो कल तो मैंने देखे थे यार, मुझे वैसे तो जो बात है मैंने बाद में भी अंडों को देखा अपनी वीडियो को, तो मुझे लगा कि नहीं यार हो सकता है ऐसा हो रहा है कि 60% चांसेस हैं कि वो जाएँ, 40% चांसेस हैं कि क्या पता कि बच्चा बन जाओ, तो देखते हैं यार अब से 3-4 दिन बाद क्या पता कि हमें खुशखबरी मिल सके या नहीं, तो अब कुछ भी नहीं पता। खैर से यार हमने सबको यार दाना पानी कर दिया है, और छोटा डॉन आखिर में हम खोलते हैं, छोटा डॉन खाना पानी अपना कर रहे हैं अभी। तो यार दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल गर्मा शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, आज के लिए दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। बाकी यार सेकंड स्टेप भी हम जल्दी करने वाले हैं, यहाँ पे हमने लाइटिंग वाइटिंग करनी है, और इसको भी हम जल्द ऊपर कर देंगे जब ये थोड़ा बहुत और सूख गया है, ठीक है भाई देख लो।